भाई दोस्तों जाने के लिए तैयार हो गए। एक तो मैंने ये टी शर्ट डाली है, ये वाली, तो आप कमेंट करके बताइए भाई कि ये वाली बढ़िया लग रही है या फिर दूसरी और दिखाता हूँ। भाई दूसरी ये डाली है तो आपको बताइएगा कौन सी अच्छी लग रही है। खैर से तो भाई ये अच्छी लग रही है, उसका डार्क कलर है लेकिन उसका लाइट और बहुत सोबर लग रहा है, तो मैं इसी को डाल के जाऊँगा। चलिए बने रहिए तो आपने अपना यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अभी जो अभी निकल चुके हैं तो देख सकते हैं कितनी बेहतरीन और कितनी सुंदर रिज है। अभी रिज तो दिखाई देने रही है, अभी दिखाई देगी भाई। ये देखो कितना बेहतरीन और कितना सुंदर नज़ारा है। बगल में आपके कितने बेहतरीन खाई हैं, पहाड़ हैं, सब चीज़ें आपको नज़र भाई आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। क्योंकि चल क्या देना, चलने से पहले गाड़ी को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अंदर बैठी है हमारी पूरी टीम, ये निकले हैं अपने साहब, वाह चश्मा क्या लुक है भाई। और ये सिसोदिया साहब बैठे हुए हैं। हाँ सर, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम पत्नीटॉप जा रहे हैं। पत्नीटॉप की यात्रा है, पत्नीटॉप है, फिर उसके ऊपर हस्बैंड टॉप है। आज हम सारे टॉप जो देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, सारे टॉप देखे जाएंगे। हाँ, हाँ, हम चार लोग हैं और हमारे साथ ही ये है सोलंकी साहब हैं। अच्छा अच्छा, हाय। और भैया आपका क्या नाम है? राकेश। भाई आपके जो शेविंग है ना वो बड़ी मजेदार है। पहला जो ना पहला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का एक क्या है टोल प्लाजा आया। यहाँ पर भाई लोग ना गरीब बेच रहे हैं और बहुत बेहतरीन रास्ता है। ये देखो सारी सारी जो है ना ये सवारियाँ जा रही हैं आपकी कहाँ, कटरा यानी वैष्णो देवी, शिवखोड़ी और पत्नीटॉप। तो भैया अपन लोग भी निकल रहे हैं। वो देखिए वो मैडम बैठी हुई भाई, कितनी अच्छी लग रही हैं। आपको दिखाई नहीं दे रही, मेरे को तो दिख रही है। ड्राइव कर रही है, नहीं ड्राइव नहीं कर रही है। अरे वो तो कोई जो है ना टोल देने से मना नहीं करता, तो कोई टोल देने से मना नहीं करता, तो इसलिए नारी शक्ति इज द बेस्ट। हाँ बच्ची है भैया, अगर टोल पे ना बच्चियों को बैठा दोगे ना तो फिर जो आजकल के लोंडेला पांडे है ना वो टोल देने से मना नहीं करेंगे। सही बात है, अब क्या करें, हमारी भाषा ही ऐसी हो गई कि उस पर जो है ना मैडम 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 करते करते। सही बात है भाई, आसपास का नज़ारा इतना मस्त है। ये देखो भैया क्या व्यू, ये देखो क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। ये नज़ारे सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। ये मन्नू एंड पन्नू चैनल के साथ बने रहिए, आपको बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा और बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई जाएगी। वाओ, वो देखो अरे साहब गुलमर्ग है ना, या गुलमर्ग की पहाड़ियाँ जो है ना, ये सबसे पहली टनल आ गई इस रास्ते में। टनल तो खूब पड़ेंगे और टनल इतनी बढ़िया पड़ेंगी ना कि आप देख के खुश हो जाओगे। ये देखो भाई साहब मजा आ रहा, मजा मस्त रास्ते में ना। आज आपको यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन जो है ना मैं आपको आज के बताता हूँ। आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं भाई, सबसे पहले यहाँ से पत्नीटॉप का रास्ता दिखाएंगे, यहाँ का सुंदर व्यू दिखाएंगे। दूसरा आप वहाँ पहुँचते ही कोशिश करेंगे कि पहले हम नाग मंदिर पे चलें, क्योंकि नाग मंदिर बताते हैं कि भाई आज से 600 साल पुराना है और वो जो है ना पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो नाग मंदिर की विशेषता ये है कि कहते हैं कि वहाँ जाके अगर कोई अपनी मुराद मांगते हो ना तो पक्का पूरी होती है। फिर हम आपको उसके बाद में लेके जाएंगे वहीं पर। अब देखिए भाई इतने में दूसरी टनल आ गई है। दूसरा हम आपको लेके जाएंगे नत्था टोप। एक ऐसी जगह है जहाँ से जो है आपका ना शिवालय रिज और हिमालय रिज ना बहुत बेहतरीन तरीके के साथ दिखाई देती हैं। और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की सुविधा भी है, आप मतलब अगर थोड़ा सा आप में करेज है तो आप वहाँ जाके जो है ना ग्लाइडिंग वगैरह कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। बहुत बेहतरीन जगह है भैया। नहीं, हम सब में है और हम सब सारे ही करेंगे। और तीसरा है अपना, तीसरा टनल, ये देखो भाई तीसरा टनल आ गया है। टनल पे टनल, टनल पे टनल, मतलब दिल खुश हो रहा है। करेज तो हमारे बहुत भरा पड़ा, करेज की कमी नहीं है, बस दिखाते नहीं है, बस दिखाते नहीं है। फिर तीसरा भाई होगा अपना नत्था टोप। और चौथा होगा सनासर लेक पत्नीटॉप के टॉप में बना हुआ और एशिया का सबसे ऊंचा लेक है भैया। और पांचवा होगा आपका श्यामा मुखर्जी टनल, जो कहते हैं ना इंडिया की पहली सबसे लंबी और बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक टनल है भैया। देख के दिल खुश हो जाएगा, देख के तो हमने भी नहीं है लेकिन आज हमें भी देखने का मिल जाएगा। टनल खत्म, फिर नेक्स्ट टनल। अब ये देखिए एक टनल खत्म नहीं हुई, उसके बाद में दूसरी टनल आ गई भाई। टनल पे टनल, टनल ही टनल। देखिए इनके बनने से ना
यात्रा जस्ट आधी हो गई है। पहले आप जम्मू से श्रीनगर पहुंचते थे सारा दिन लगा के, आजकल पहुंच जाते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर। तो भैया टनल और ब्लॉक का मजा लेते रहो। उस रास्ते पे जहां पर आपका है खानदानी दवा खाने, खानदानी ढाबा, और बेहतरीन है यहां पर आपके लेफ्ट हैंड पे है आपका एक हवेली। भाई हवेली आपने अगर देखी होगी ना, तो ये वो हवेली है जो पंजाब में जलंधर में है। तो भैया इस हवेली का ना बेहतरीन तरीके से तो मजा लो। जब कटरा हो ना, तो कटरा आने की मोड़ से पहले भैया ये हवेली मिलेगी। कहाँ गई हवेली? अरे वो हवेली तो निकल भी गई यार। हाँ वो तो हवेली निकल गई है। और ये देखिए ये रास्ता है ना, यहाँ से इस मोड़ से आओगे तो इस मोड़ पे आपको कटरा के लिए मुड़ना पड़ेगा। यहाँ से आप बाईं तरफ मुड़ जाओगे तो बाईं तरफ के लिए कटरा, और सीधा आपका गया है उधमपुर, देन फिर आपका पत्नीटॉप के लिए। ये देखो कितना मस्त रास्ता भैया। भाई कुछ भी हो, काम तो हुआ है, इतना बेहतरीन काम हुआ है कि देख के दिल खुश होता है। ऐसा काम हर सरकार को करना चाहिए कि ना दिल खुश हो जाता है। और ये देखो बाईं तरफ जो है ना, बाईं तरफ आपके जो दिखाई दे रहा है ना, वो सामने है आपका वैष्णो देवी का मंदिर, अर्धकुमारी और वो सारी पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। देख लो भैया, सौरभ जोशी के साथ ना एक क्वालिटी तो है उस मंदिर के अंदर कि वो 8 बजे के करीब जो ना पक्का डाल देगा आपका। चलो आप डालने लग गया, जब पैसा आता ना साहब, जब आपको भी आने लगेंगे, आपको डेट पर साला सब कुछ छोड़ के। हाँ ये तो है साहब, करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद ली, करोड़ों रुपए के बैठे 2-3 घर खरीद लिए भाई। ये देखिए ये एक वो पॉइंट है जहाँ पर जो है ना, अब रुकी गए ना तो अब रुक के देख लेंगे भैया ये कौन सा पॉइंट है। ये रास्ते में अपन लोग रुके हैं, और यहाँ पर जो है ना जो दिखाना चाहता हूँ मैं, वो क्या दिखाना चाहता हूँ वो शायद इधर से पीछे आने से दिख जाएगा कि ये जगह तो बड़ी आलिशान है, और इस आलिशान जगह के साथ में एक पुल दिखाई दे रहा है जो कहते हैं ना उधमपुर को कटरा से कनेक्ट करता है। और यहाँ का नज़ारा ये देखो भैया, ये है कहते हैं ना यहाँ का सबसे बेहतरीन और सबसे कहते हैं ना मस्त नज़ारा है जो आपको उधमपुर, कटरा और रियासी से कनेक्ट करता है। तो और पीछे जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही है ना भैया, वो है वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ, ये देखो। और उसके ऊपर जो आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा होगा ना, वो है नहीं जो आपको नज़र आ रहा होगा ना आगे, वो पहाड़ के साथ में जो नज़र आ रहा है ना ऊपर वाइट, वो है आपका अर्धकुमारी। वो जो आपको वाइट से नज़र आ रही है ना, वो है भैया अर्धकुमारी की पहाड़ी, और ऊपर है आपका वैष्णो देवी का स्थान। भाई ये जितने भी यात्री जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे कटरा, वैष्णो देवी, पत्नीटॉप और सनासर लेक, श्रीनगर घूमने के लिए जा रहे होंगे। भैया ये है अपनी टीम, ये देखिए आज जो है ना, आज दिखाएंगे कि भैया कितना बेहतरीन तरीके के साथ यहाँ का व्यू और ये रास्ता है। तो मज़े लेंगे दवा के, और मैं अभी इनके भी पर्चे करा दूँ। भैया ये हैं हमारे त्यागी जी, हमारे गाइड, इन्हीं ने हमको वैष्णो देवी की यात्रा कराई थी। और ये हमारे सशोदिया जी, भाई इनका भी एक चैनल है बहुत बढ़िया सा, और अब जो है ना अब उस पर भी काम होगा दवा के। और ये हमारे क्या नाम इनका, दलसुख भाई ये है दलसुख भाई इनके ना चैनल पे 2 वीडियो पड़े हैं, और 2 वीडियो पे इन्होंने हंगामा मचा रखा भाई। तो बड़ा इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, और जिस चैनल को आप देख रहे हो इसको तो सब्सक्राइब लाइक जरूर ही करना है। बस भैया तो हमारे चैनल पे बने रहो, दबा के 4 में से 1 कम हो जाएगा भाई, मत करो ना ऐसे, खड़े हो जाओ यार, कहाँ आगे बैठ जाते हो, मानते नहीं हो हरकतें, मतलब बड़े हो गए लेकिन हरकतें अभी वो बच्चों वाली हैं, थोड़ा हरकतों को सुधार लिया करो, नहीं सुधरना भाई। ओके नाश्ता करते हैं। गाड़ियों का जो सिस्टम है ना, ये बेल का, कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो बजने लगता है। अब सिस्टम ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई और गाड़ी आपकी चले ही ना, चाहे वो 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर हो, और कानून ऐसा हो जाए कि अगर आपने सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं लगाई ना तो आपकी गाड़ी सीज हो जाए तुरंत ही। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई एक्सीडेंट नहीं होने का है,
लेकिन आदमी के आदमी इतना केयरलेस हो गया है कि सीट बेल्ट और बगैर हेलमेट के सोचता है कि जैसे मैं मतलब सुपरमैन हूँ। तो अगर थोड़ा सा कानून सख्त होगा ना तो आराम से मतलब चीजें बच सकती है। कानून सख्त होने की जरूरत नहीं साहब, वो सिस्टम ही डाल दो ना कारों के अंदर। हाँ सही बात है, ये भी डाल सकते हैं। अभी देखो AI आ रहा है, AI इतना बढ़िया से काम करता है। अब ये दोनों पट्टियां हैं, आपकी गाड़ी उन पट्टियों के बीच में चलेगी, लेकिन इधर उधर होगा तो तुरंत तो अपने आप ही ऑटोमेटिक उधर डाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो 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 भाई। दरोगा जी ने ना कहते हैं कि हमारे गाइड साहब की पर्सनैलिटी देख के ना रोका ही नहीं। ऐसी ड्राइविंग से हमेशा बचिएगा, जहाँ स्पेस ना हो ना वहाँ से निकलने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि जो ट्रक वाले होते हैं ना, ट्रक वाले वो दीजिए। जल्दी ठीक है भैया, चला जाता इतनी जल्दी मत मचाना कि तेरे चक्कर में दूसरा भी जल्दी। भाई जिंदगी में कभी उल्टी नहीं हुई, लेकिन आज जो है ना भाई अपनी हालत भी खराब हो रही, सारी उल्टी हो रही। गाड़ी में भी जो है ना बैठने को मन नहीं कर रहा। रुके एक ढाबे पे, होटल है भाई, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, दवाई लेते हैं, दिन फिर आगे चलेंगे, क्योंकि सफर बड़ा लंबा और बड़ा ही हसीन है। लेकिन भाई उल्टी ना हो बस, जय श्री राम। भाई रास्ते में ना कुछ खाने के लिए रुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। ये भैया हमारा प्रेम ढाबा, और ये हमारी पूरी टीम अंदर को जा चुकी है। और ये जो ना रास्ते में कुछ खा पी के चलाना बहुत बढ़िया रहता है, इसलिए कुछ खाएंगे देन फिर आगे जाएंगे। यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है भाई, प्लस जूम करके दिखा देता हूँ तो दिल खुश हो जाएगा। सफर ये हमारे टीम लीडर रास्ते में रुके हैं, कुछ उल्टी की वजह से मैगी खानी पड़ रही है, और वो भी प्लेन है। ये रुके हुए रास्ते में परोठा है, लेकिन हम मैगी खाएंगे। एक आलू का परोठा बस, जल्दी से भाई नंबर काट के दे दे छोटू। क्यों नंबर आपके मोबाइल से? अरे नहीं, तेरा नाम क्या है ये बता दे छोरे। भाई मनीष भाई जो है ना बड़ा मस्त बंदा है यहाँ का, ये नंबर नहीं काट रहा और नंबर काट के दे भी नहीं रहा। मैंने कहा भाई मेरे को एक दे दे, भैया बना दे भाई, ऐसे बनाए तो ऐसे हाथ में दे दे, मैं हाथ में खा लूँगा यार। पनीर नहीं यार, खाली आलू दे दे यार। मनीष कहाँ का है रे? यहीं का है भाई, तेरा देख के बड़ा अच्छा लगा रे, तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है मनीष, इधर तो देख, कहाँ का है रे? उधमपुर। अरे इधर तो देख, अरे मुस्करा दे यार, मुस्करा दे मनीष, अरे मुस्करा तो दे। एक शर्मा क्यों रहा तू, लौंडियों की तरह शर्मा रहा रे, ये तो बस बड़ा शर्मीला है। ये देखो ये भाई सब, ये है मनीष भाई, शर्माया नहीं करते हैं।